आप अभी देख सकते हैं कि मेरे पास में ये दो 500 के नोट हैं और इनके ऊपर में ये रेड कलर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि क्लीनिंग प्रोसेस के बाद में ये दोनों नोट जो है बिल्कुल नए जैसे हो गए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। अगर आपके पास में भी कभी इस तरह का करेंसी नोट आता है जिसके ऊपर में कलर लगाओ या फिर आपसे ही गलती से इसके ऊपर में कलर लग जाए, तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इस करेंसी नोट के ऊपर में लगे हुए कलर को क्लीन करके इसे पहले जैसा बना सकते हैं। आप अभी देख सकते हैं कि मेरे पास में ये दो 500 के नोट है और इनके ऊपर में ये रेड कलर लगा हुआ है। हो सकता है कि कैमरा में जो कलर है वो थोड़ा डिफरेंट दिख रहा हो, और ये देखिए इसके बैक साइड पे भी आप कलर देख सकते हैं। अभी आप इस जो नोटों के ऊपर में जो सीरियल नंबर है उन्हें आप नोट कर लें, ताकि मैं जब आपको इन्हें बाद में क्लीन करके दिखाऊं तो आप बिफोर और आफ्टर का कंपैरिजन कर सके। क्लीनिंग के लिए आपको चाहिए होगा लिक्विड डिशवॉश। मैं यहाँ पे विम का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे किसी और कंपनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं दो तरीके बताऊंगा, दोनों तरीकों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बर्तन लेना है और उसमें थोड़ा सा विम डाल देना है। ये जो लिक्विड डिश वॉश है इतना काफ़ी है, और इसमें आप चाहें तो एक दो बूंदें जो वो पानी की भी डाल सकते हैं। देन आपको इसका जो ये जहाँ पर भी आपका कलर लगा हुआ है उसको इसमें इस तरह से डिप कर देना है। ये जो तरीका है ये अगर आपके नोट के साइड्स के ऊपर में कलर लगा है तो बेस्ट है, और अगर इस तरह से अंदर में लगा है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि ज़्यादा देर तक आपको इसमें डिप करके नहीं रखना है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि इस लिक्विड का भी कलर जो है येलो जैसा है, तो ये जो येलो कलर है ये भी कई बार नोट के ऊपर में जो वो चढ़ जाता है। और साथ ही में अगर आप अंदर की तरफ में इसे यूज़ कर रहे हैं तो होगा ये कि कलर तो निकल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से अगर ये पूरा डिप है यहाँ से कलर निकल के इसके साइड पर चढ़ जाए। तो इसके लिए मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, तब तक इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये आपको मेक श्योर करना है कि ये जहां से आप इसे कलर को निकाल रहे हैं वो अच्छी तरह से इसमें डिप हो, तभी के लिए हम इसे ऐसे छोड़ रहे हैं। और दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं, तो अभी मैं पूरा कंप्लीट तो एक ही बारी में कम इसे क्लीन नहीं करके आपको दिखा सकता। तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये यहां पर इस जगह को ले लेते हैं, हम इसे करते हैं क्लीन। और ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये डिश वॉश जो यहाँ पे लिक्विड डिश वॉश मैं यूज़ कर रहा हूँ, इससे आपका करेंसी नोट जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इसकी जो प्रिंटिंग है वो ये भी बिल्कुल नहीं ख़राब होती है, तो घबराइए नहीं। और यहाँ पर जो दूसरा तरीका है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ये जो डिश वॉश है इसे आपको डायरेक्टली इसके ऊपर में लगाना है। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर निकाल लेता हूँ, आपको यहाँ पे डायरेक्टली इसके ऊपर में यहाँ आगे से भी लगाना है और पीछे से भी लगाना है। और इसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़ी सी आपको इसमें मेहनत लगती है, तो इस वाले जो ये जो प्रोसेस है इसमें आपको थोड़ी इस तरह से बहुत जोर नहीं लगाना है, आपको आपको हल्का सा इसके ऊपर में इस तरह से रब करना है कि आपकी फिंगर्स ही रब हो रही हों। और इस तरह से आपको जो रब करना है तो कम से कम आपको 20 से 30 सेकंड तक रब करना है। और ये जो मैंने आपको प्रोसेस दिखाया जिसमें आपको डिप करना है इसे, इसमें आपको 15 से 20 मिनट में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, और हो सकता है कि आपको एक घंटे के आसपास लगे, क्योंकि जितना भी इसमें डार्क कलर होगा उसके अकॉर्डिंग, डार्क होगा या लाइट होगा उसके अकॉर्डिंग इस पर टाइम लगने वाला है। तो ये वाला प्रोसेस में आपको 15 से 20 मिनट में जो रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। और इस वाले जो केस है इसमें तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, जितनी बार आप इस तरह से इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर आपको ये कम से कम इस तरह से जो लिक्विड डिश वॉशर लगाने के बाद में इस तरह से 20 से 30 सेकंड तक कम से कम जो वो आपको करना है। देन आपको क्या करना है, आपको पानी ले लेना है। मैं तो यहाँ पे कटोरी में पानी लिया हुआ है, आप चाहे तो इसे नल के पास में भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ये जो आपने ये डिश वॉश लगाया है इसे क्लीन कर देना है, और अब फिर से इसे रिपीट करना है। आपको ऊपर भी लगाना है और इसके नीचे तरफ भी लगाना है, फिर से कम इस तरह से 20 से 30 सेकंड तक आपको अपनी फिंगर्स से ही जो बिल्कुल इस तरह से करना है कि आपकी फिंगर्स में जैसे मक्खन लगाओ वैसे आपको इसे रब करना है। और घबराइए मत, इससे नोट बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। इसमें किसी भी तरह से जो नोट के ऊपर में कोई स्क्रैचेस नहीं आते, कोई कुछ नहीं होता है, आपका जो नोट का पेपर है वो भी बिल्कुल सेफ रहता है। आपको बस इसी तरह से रब करना है और फिर से इसे जो है वो पानी से क्लीन करना है। आपको ये जो प्रोसेस है
ये रिपीट करते जाना है जब तक आपको रिजल्ट जो है पूरा 100% नहीं मिलता है। तो अभी मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दाग लगा हुआ था कलर का वो सारा जा चुका है। ये देखिए, आप जितने भी करीब से इसे देख सकते हैं, ये देखिए इसमें जो कलर का दाग था वो दोनों तरफ से जा चुका है। और बाकी का जो अभी ये रहता है ये मैं बाद में क्लीन करके आपको पूरा जो ये करेंसी नोट है ये बाद में दिखाऊँगा कि ये पूरा किस तरह से क्लीन हो चुका है। और फिलहाल के लिए मैंने आपको यहाँ से इसे क्लीन करके दिखा दिया, जो कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लीन हो चुका है। नेकेड आई से तो आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा, अगर आप इसे सनलाइट की सामने रखेंगे, कुछ लाइट के सामने रखेंगे तो आपको हल्का सा डॉट दिख जाएगा, वो भी चला जाता है। आप पे ऊपर डिपेंड है कि आप इसे कितना क्लीन करना चाहते हैं। अगर आप इसे और फर्दर क्लीन करना भी चाहें तो इसे सेम तरीके से रिपीट करते जाएँ इस प्रोसेस को। और ये वाला जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था, इसमें जैसे ही आपके 15 से 20 मिनट हो जाए, या तो ये जो जगह है जहाँ पर कलर लगा हुआ है इसे आपको इस तरह से साइड के ऊपर में कर देना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि येलो कलर में, ये देखिए रेड कलर जो आपको साइड पे दिख रहा होगा, तो आपको इस तरह से इस कलर को साइड पे कर देना है। और ये आपको जो है वो 2-3 बार रिपीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जो प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा इसका भी पूरी तरह से क्लीन होने का। आप इसका भी सीरियल नंबर नोट कर सकते हैं, बाद में मैं इसे भी पूरी तरह से क्लीन करके इस नोट को भी आपको दिखा दूंगा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर मुझे इतने से डॉट के लिए ही कितना ज़्यादा टाइम लग गया क्लीन करने के लिए। तो ये सारा मुझे अभी क्लीन करना है, तो ये जो प्रोसेस है इसमें टाइम बहुत लगता है, और इस वाले प्रोसेस में भी टाइम लगता है, लेकिन इसमें आपकी मेहनत नहीं लगती है। लेकिन इस वाले प्रोसेस में आपको टाइम भी लगेगा और आपकी मेहनत भी लगेगी, क्योंकि आपको बार बार इसे इस तरह से जो वो रब करते हुए ही क्लीन करना है। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप ऐसा इस प्रोसेस को कर रहे हैं तो यहाँ पे रब करने के बाद जो वो हर 20 या 30 सेकंड के बाद में आपको इसे पानी से धोना है। मेरे पास में तो ये पानी है, ये आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा झाग इकट्ठा हो चुका है। तो अगर आप एक टैप के पास में करते हैं जहाँ पर रनिंग वाटर आपको मिल जाए तो वो बेस्ट है। और जैसे ही आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, जैसे आपने इस जगह से क्लीन कर लिया, तो आपको हो सकता है कि साइड में भी थोड़ा बहुत जो ये लिक्विड लग गया हो, तो आपको यह से पूरी तरह से क्लीन कर देना है। आपको ज़रा भी इसमें नहीं छोड़ना है, ये इसको पूरी तरह से पानी से क्लीन करके उसके बाद में आपको जो है वो आयरन के साथ में इसे प्रेस कर देना है, जिससे ये आपका जो नोट है बिल्कुल एकदम नए जैसा हो जाए। तो अभी के लिए मैं इस बाकी की जो जितने भी इस पर कलर के दाग लगे हुए हैं इन्हें भी क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको एंड रिजल्ट दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों 500 के नोटों के ऊपर में जितना भी कलर लगा हुआ था वो सारा क्लीन करके इन दोनों नोटों को जो अच्छी तरह से पानी से धो दिया है। अब मैंने जो वो रूम टेम्परेचर में पहले ड्राई होने दूंगा, और साथ ही मैं आपको एक एक्स्ट्रा जो तरीका है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि ये वाला जो नोट था ये पूरा कलर से गंदा हुआ था। मेरे पास में अभी आप देख सकते हैं कि और भी नोट हैं जिनके ऊपर मैं साइड्स पे ही कलर लगा हुआ है, ये इतने गंदे नहीं है जितना ये गंदा था। तो इसे क्लीन करते टाइम पे मैंने एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, जो कि मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ ताकि आपको भी वो यूज़फुल हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि एक इस तरह की प्लेट ली, और इसमें मैंने जो वो थोड़ा सा विम बार जो ये लिक्विड है ये इस तरह से डाल दिया, और इसमें मैंने पहले के कंपैरिजन पानी जो वो ज़्यादा डाला कुछ इस तरह से। ये थोड़ा ज़्यादा ही लाइट हो गया, इसमें थोड़ा मुझे और डालना पड़ेगा, मैं थोड़ा डाल देता हूँ कुछ इतना सा आपको डाल लेना है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद में आपके पास अगर जो जैसा कि आपने मेरा देखा ही था, जो ये वाला मेरा नोट था ये पूरा गंदा था, अगर इस तरह से आपका नोट पूरा गंदा होता है तो
तो आप इस तरीके का यूज़ ज़रूर करें। तो इस केस में आपने मैंने क्या किया, ये पूरा ही जो मेरा 500 का नोट पूरा गंदा था उसे मैंने इस तरह से ये सॉल्यूशन बनाया और इसमें पूरी तरह से इसे डिप कर दिया। जहाँ जहाँ पर भी जो कलर लगा हुआ था उस एरिया को पूरा मैंने इस तरह से डिप करके छोड़ दिया। और जैसे ही 15-20 मिनट, कम से कम 15 मिनट तो आपको इस तरह से रखना ही है, और जैसे 15 मिनट होंगे उसके बाद में आपको इसे पूरा निकालना है और इसे पूरा पानी से, फ्रेश पानी से जो बिल्कुल नलके के नीचे आप इसे वॉश कर दे। ऐसा आपको कम से कम 5-6 बार रिपीट करना पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके इसके ऊपर में कितना ज़्यादा कलर लगा है। आपको ये बार बार रिपीट करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको बार बार रिपीट करना ही पड़ता है ये प्रोसेस। और यहाँ पे आप बार बार जो मिक्सचर है वो बना सकते हैं और इस पुराने वाले को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये यहाँ पे यही बता दूँ कि आपको बहुत ज़्यादा देर तक इसमें नहीं रखना है। जैसे मान लीजिए कि आपने इसमें रखा और आप भूल गए और आधा एक घंटा इसमें रह गया, तो भी इसमें आपने प्रॉब्लम हो सकती है कि ये जो इसका कलर है येलो जो कलर, येलोइश कलर है, ये भी इसके ऊपर में चढ़ सकता है। तो ध्यान रखें कि आपको कम से कम 15 मिनट के बाद में जो आपको इसे निकाल के फ्रेश वाटर से धो लेना है और उसके बाद फिर से इसमें डाल के फिर से इसे जो प्रोसेस है उसे रिपीट करना है और फिर से 15 मिनट तक इसमें जो डिप करके रखना है और फिर से इसे निकाल के 15 मिनट के बाद में निकाल के आपको इसे फ्रेश वाटर से धो लेना है। तो मैंने अभी जो मेरा सबसे ज़्यादा गंदा नोट था उसे इसी तरह से क्लीन किया, तो मैंने सोचा कि आपके भी काम आ सकता है ये तरीका और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और जो रिज़ल्ट है वो भी आपने देखा ही है। आप चाहें तो इन्हें फ़ैन के नीचे भी कम्प्लीटली जो ड्राई कर सकते हैं और एक प्रेस का यूज़ करके भी इन्हें इस तरह से कर लें, लेकिन बिल्कुल गीले नोटों के ऊपर प्रेस ना करें, थोड़े इन्हें हल्का सा ड्राई कर लें उसके बाद में इस तरह से प्रेस कर दें, जिससे आपके जो ये नोट है ये थोड़े करारे जैसे हो जाएंगे, ये देखिए, और कम्प्लीटली ड्राई भी हो जाएंगे। ज़्यादा देर प्रेस इसके ऊपर ना घुमाएं, नहीं तो ये जो इसकी अंदर में यहाँ पे स्ट्रिप लगी रहती है ये भी इकट्ठी हो जाती है, तो इसका ध्यान जरूर रखें। ये देखिए, ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि क्लीनिंग प्रोसेस के बाद में ये दोनों नोट जो बिल्कुल नए जैसे हो गए। ये वाला जो नोट था ये साइड से इसके ऊपर में कलर लगा हुआ था और इस वाले के ऊपर में जो पूरी तरह से ये कलर से यहाँ पर गंदा हो रखा था। तो अभी मैं आपको इसके बैक साइड पर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पीछे से भी बिल्कुल क्लीन हो चुका है, आगे से भी क्लीन हो चुका है। आप जो इन नोट के ऊपर में जो ये सीरियल नंबर है ये भी चेक कर सकते हैं और मैं जो यहाँ पर बिफोर और आफ्टर का जो कंपैरिजन है वो भी लगा देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।